नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज और आप देख रहे हैं ऑन ट्यूशन। तो आज हम क्लास 12 अकाउंटेंसी के बुक से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो कि इस साल 2020 में आ सकता है। तो चलिए फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम पार्ट ए से, अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, पार्टनरशिप फर्म और कंपनी से। ठीक है, ये पार्ट जो है करीब करीब 5 चैप्टर का है और इसमें से 17 से 18 क्वेश्चन जो है ना एक्सपेक्टेड है कि इस बार बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। सबसे पहला चैप्टर है आपका अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इसमें से इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाउ आर स्पेसिफिक डोनेशन ट्रीटेड वाइल प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट ऑफ ए नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, साथ ही साथ मैंने आंसर भी दे दिया है। डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन आ सकता है रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट का, इनकम एक्सपेंडिचर का ऑन द बेसिस ऑफ डेप्रिसिएशन। फिर पार्टनरशिप चैप्टर से देखो कि पार्टनरशिप चैप्टर से क्या आ सकता है कि न्यू पार्टनर एक्वायर्स 2 मेन राइट्स इन द पार्टनरशिप फॉर्म विच ही ज्वाइन स्टेट वन ऑफ दिस, तो वगैरह वगैरह। ठीक है, आप आंसर्स भी साथ ही साथ देखते रहना। फिर इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है कि पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज और कुछ कुछ डिटेल यहाँ पे दिया हो, जैसे कि ए और ए बी एंड सी वेयर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली, देयर फिक्स कैपिटल्स वेयर 4 लाख, 5 लाख एंड 6 लाख। तो पार्टनरशिप डीड अगर प्रोवाइड करते हैं इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल विल बी अलाउड 10% पर एनम, तो द सेम वाज ओमिटेड। तो इस तरीके का ये क्वेश्चन आ सकता है जिसमें आपको पूछे जा सकते हैं कि जर्नल एंट्री पास कीजिए, तो इस तरीके का ये जर्नल एंट्री हो सकता है। बाद में एडजस्टमेंट करना है आपको ये इस तरीके से। तो ये आप देखते रहिएगा, सोल्यूशन भी मैंने साथ में दे दिया है, आराम से अगर आप चाहे तो पॉज करके या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तीसरा चैप्टर है आपका पार्टनरशिप के एडमिशन ऑफ पार्टनर के बारे में। तो इसमें पहला क्वेश्चन मैंने लिया है कि जैसे कि हाउ डज नेचर ऑफ बिजनेस इफेक्ट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ ए फर्म, इसका आंसर भी यहाँ मैंने दे दिया है। फिर मान लीजिए 3 पार्टनर्स है, रमेश, महेश और सुरेश, जो कि शेयर करें प्रॉफिट 3:3:2, और बाद में जाके फिक्स कैपिटल्स उन लोगों का कितना है, 5 लाख, 4 लाख और 3 लाख। कोई गोविंद नाम का कोई लड़का है जिसे वो एडमिट करते हैं 1/5 शेयर पे, गोविंद 4 लाख कैपिटल लाता है और नेसेसरी जो अमाउंट ऑफ गुडविल और प्रीमियम है, देन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 2:1:1। अब इसके गुडविल को कैलकुलेशन करो, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार गुडविल वाला आ ही सकता है। तो इसका सॉल्यूशंस मैंने यहाँ दे दिया, आप अच्छे से देखिए। पहले आप वर्किंग कैलकुलेशन कर लेना, वर्किंग नोट, एग्जाम में वर्किंग नोट करना मत भूलना, नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे। फिर नेक्स्ट 4th चैप्टर से रिटायरमेंट है और डेथ। तो यहाँ से व्हाट डू यू मीन बाय गेनिंग रेशियो ऑन द रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, ये पूछा जा सकता है। सम्स अगर आए तो इस तरीके से आ सकता है कि पी क्यू आर पार्टनर्स थे इन ए फर्म और 31 मार्च 2018 को आर रिटायर होता है, द अमाउंट पेएबल ऑन टू आर ₹2,17,000 वॉज ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट, आर एग्रीड टू रिसीव इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट एज पर द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932। हमें स्टेट करना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, ये छोटे छोटे क्वेश्चन से ये। फिर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर से इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है कि मान लीजिए अरुण और वरुण कोई पार्टनर थे, प्रॉफिट एंड लॉस शेयर कर रहा है इक्वली, और ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म वरुण्स वाइफ्स लोन वॉज 45,000 जबकि अरुण का लोन कितना था, 65,000। तो विच लोन विल बी पेड फर्स्ट, किसका लोन पहले पे किया जाएगा। तो ये सब क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस के साथ मैंने आंसर भी दे रखे हैं, अच्छे से पढ़िएगा। फॉर्मेट जो है ना इसी तरीके से आने वाला है इस बार। फिर पार्ट बी से हम लोग देखते हैं, पार्ट बी में कम 6 चैप्टर्स है और इसमें से करीब करीब 6 क्वेश्चन इस बार एक्सपेक्टेड है कि बोर्ड में आ सकते हैं, जिसमें से कि सबसे पहला चैप्टर है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, जब शेयर फॉरफीचर होता है, वन कैन शेयर बी फॉरफीचर, मतलब शेयर को कब फॉरफीचर किया जा सकता है। तो उसके आंसर मैंने दे दिए कि वन ए शेयर होल्डर पे फेल्स टू पे द अलॉटमेंट मनी और एनी सब्सिक्वेंट कॉल्स, कोई भी अलॉटमेंट मनी या फिर कोई भी कॉल फेल करता है अगर पे करना, तो फिर वहाँ पे हो जाता है फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। फिर नीचे मैंने कुछ शेयर्स के क्वेश्चंस भी दिए, ये रहा कुछ शेयर्स का क्वेश्चन, इस क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िएगा और फिर इसके नीचे हम सॉल्यूशंस भी देखेंगे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नहीं तो इसी टाइप का क्वेश्चंस तो ज़रूर आने वाला है। फॉर्मेट यही रहेगा, बस क्वेश्चंस थोड़ा सा घुमा हुआ रहेगा, इस तरीके से हो सकता है। नेक्स्ट चैप्टर में इशू एंड रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर,
तो व्हाट डू यू मीन बाय इशू ऑफ डिवेंचर एट डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम. तो इसका थ्योरी इस तरीके से आ सकता है. प्रैक्टिकल पे आप ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, थ्योरी तो बहुत कम ही पूछा जाने वाला है. फिर रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व के बारे में, एस ऑन इन द बैलेंस बैलेंस शीट किस तरीके से होगा, डी आर आर और फिर मतलब ये तो पढ़ा होगा आप लोगों ने शायद. फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए कंपनी, उसके बारे में 3 ऑब्जेक्टिव्स बताना है. तो ये तीनों का आंसर्स मैंने दिया हुआ है. फिर इस तरीके का क्वेश्चंस भी कुछ कुछ पूछा जा सकता है कि कौन से सब हेडिंग में क्या आने वाला है. प्रीपेड इंश्योरेंस है, इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स है, कॉल्स इन एरियर है, अनपेड डिविडेंट है. तो ये सब हेड्स और सब हेड्स दिए गए हैं साथ साथ, तो ये देख लीजिएगा. फिर चौथा चैप्टर है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसमें से 4 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आ सकता है. फिर नीचे व्हाट इज मीन बाय कैश फ्लो, कैश फ्लो का मतलब क्या है. फिर अकाउंटिंग रेशियो, अकाउंटिंग रेशियो से व्हाट आर इम्पोर्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, तो ये मैंने आंसर दे रखे हैं. कैलकुलेट करना है कि डेप्ट रेशियो क्या है. बाकी सारे रेशियोज भी आपको प्रैक्टिस करने हैं, मैंने यहाँ पे बस 1-2 ही दे रखे हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुझे लग रहा है कि इस साल आने वाले हैं. ऐसे प्रैक्टिस तो आपको सारे ही करने हैं, लेकिन ये पहले कर लीजिएगा फिर बाद में कीजिएगा. फिर कैश फ्लो से देखिए कि व्हाट इज़ कैश फ्लो स्टेटमेंट है ना. फिर प्रोसीजर ऑफ प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो ये सारे कुछ क्वेश्चंस है जो कि इस साल एक्सपेक्टेड है कि इस साल आने ही वाले हैं. तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा. कोई भी डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे जाके पर्सनली पूछ सकते हैं, डाउट क्लियर कर सकते हैं. इंस्टाग्राम का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. हम फिर हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ नेक्स्ट एग्जाम से पहले. तब तक के लिए गुड बाय.